हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑयली स्किन वालों के लिए फेशियल। और ये फेशियल आप लोगों को घर में ही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, मार्केट से कुछ नहीं लेना। बस घर में कुछ चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें हैं, उसे अपनाकर आप अपनी स्किन को ऑयल फ्री कर सकते हो। अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली है या ऑयल छोड़ती है, जब भी आप मेकअप करते हो परेशान हो जाती हो, ये वाला जो फेशियल है ना, ज़रूर अपनाइएगा। ये घर में है, बस आप फेशियल समझ लो या कुछ भी समझ लो, एक होम रेमेडी है जिससे आप अपनी ऑयली स्किन से छुटकारा पा सकते हो। और हाँ, जब भी आप मेकअप करते हो तो आपकी फेस पे पसीना आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो और आपको मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो एक वीडियो मैंने बना दी है, उसमें सिर्फ मैंने फाउंडेशन यूज किया और कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं आई शेडो, आई लाइनर, ब्लशर, हाईलाइटर, ऐसा कुछ नहीं है उस वीडियो में। सिंपल सा है, जैसे आप रोज का मेकअप करते हो वैसे ही मैंने बताया। फाउंडेशन का मैंने यूज किया फिंगर के हेल्प से लगा के, जैसे आप क्रीम यूज करते हो, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आई बटन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। सो बहुत सारी हमने बातें कर ली है, तो चलो फटाफट से हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे दूध लिया है और इसको मैं आप लोगों को सामने ही बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि अगर आप इसे बनाकर रखोगे तो ये फट जाएगा। तो अभी मेरी फेस जो है ना अच्छे से क्लीन है। यहाँ पे जो है ना, मैंने दूध लिया है और दूध को इस तरीके से मैं लूंगी। ये देखो आप, इस तरीके से हम दूध को लेंगे। दूध ले लिया, ये देखो, और इसमें जो है मैं नींबू डालूंगी। और नींबू क्या करता है, आपके फेस से ऑयल को खींचता है। तो बस आपको इसको क्या करना है, अगर आप इसे रखोगे तो फट जाएगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे फटाक से इस तरीके से कर लूंगी। आपको तुरंत हथेली पे ऐसे करना है और इस तरीके से करके पूरे ही फेस पे अच्छे से लगा देना है। नींबू क्या करता है, आपकी स्किन से ऑयल को खींचता है और ये क्लींजिंग का काम करेगा। तो नींबू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ऑयली स्किन वालों के लिए। तो इसको हम फटाक से इस तरीके से लगाएंगे मसाज करते हुए। ये स्टेप हम दो बार करेंगे। देखो, ये आपके फेस पे क्लींजिंग का भी काम करता है, प्लस ऑयल भी खींचता है, दूध भी क्लींजिंग का काम करता है और स्किन में चमक भी लाता है, नींबू भी चमक लाता है। तो ऐसा नहीं कि ऑयल खींचेगा तो आपकी स्किन में खींचेगा तो चमक भी चली जाएगी। सो सेकेंड बार हम इस तरीके से कर लेंगे, ये देखिए, और अच्छे से ही आपको क्लींजिंग कर लेनी है इससे पूरे ही फेस पे। और कुछ लोग घबरा जाते हैं कि यार मेरा चेहरा तो ब्लैक हो गया, काला हो गया इसको लगाने से। कोई होम रेमेडी नहीं है जिससे आपका फेस काला हो जाए। थोड़ा सा अगर आप कुछ भी ऑयली चीज़ लगाते हो ना, तो स्किन में ब्लैक ब्लैक सा, तो वो काला काला सा दिखते ही है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ब्लैक हो गई, अगर आप क्रीम लगाते हो तो वो थोड़ी देर के लिए वाइट करता है, बाद में आपकी स्किन कैसी हो जाती है, वैसी ही हो जाती है ना। लेकिन ये हमारी स्किन को अंदर से चमकाता है, इसलिए तो बस इस तरीके से हम लगा के छोड़ देंगे ये ड्राई हो जाए। ड्राई हो ही चुका है, मतलब जो चिपचिपापन है थोड़ा सा वो ख़त्म हो जाए। तो बस देखो आप, इसलिए हम ले रहे हैं एलोवेरा जेल जो है स्ट्रेमियो का, प्योर एंड नेचुरल है, इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं, आप देख सकते हो। मैं ले रही हूँ एक प्लेट और इसमें मैं डालूँगी कॉफ़ी पाउडर। देखो, यहाँ पे ले लिया कॉफ़ी पाउडर, ये देखिए। अब हम इसमें ये एलोवेरा जेल डालेंगे, तो चम्मच में भूल गई हूँ तो निकाल ले रही हूँ एलोवेरा जेल। देखो इस तरीके से, और इसको अच्छे से ही मिक्स कर ले रही हूँ इस तरीके से। देखो, थोड़ा सा ये टाइट होना चाहिए तभी ये स्क्रब का काम करेगा। अगर आप इसे ढीला कर दोगे ना तो फिर ये स्क्रब का काम नहीं करेगा। तो बस इस तरीके से अपने फेस पे इससे मसाज कर लेना है। जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, दरदरा, अगर ये दरदरा नहीं रहेगा तो ये आपका स्क्रब का काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा दरदरा होना ही चाहिए, एलोवेरा जेल कम होना चाहिए और ये थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। और लास्ट में आपको क्या करना है, थोड़ी सी कॉफ़ी और लेनी है हैंड पे, ये देखिए, और इसमें एलोवेरा जेल नहीं डालना है, ये देखिए इस तरीके से लेना है। और हाथों में इसको अपने ऐसे करना है, बस ऐसे ये, और लास्ट में इस तरीके से मसाज कर लेना है।
सो यहाँ पे फेस को हम धुलाए हैं अच्छे से, और अब हम लगाएंगे, क्या करेंगे अभी हम बताते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें लेना है एक टमाटर, ये देखिए ये आपकी स्किन में मसाज का काम करेगा। तो यहाँ पे हमने आधा टमाटर ले लिया है और इसको अच्छे से ही हम मसाज करेंगे इस तरीके से, देखो इस तरीके से बस आपको मसाज करना है। सिंपल सा स्टेप है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है वो इजली कर सकते हैं। और जब इसका रस रस जो है ना वो सूखता जाए तो आपको यहाँ पे ऐसे ये देखो हल्का सा कर देना है, तो आप खुद ही देख लो है ना। तो इस तरीके से करना है आपको मसाज कुछ देर तक, 5 से 10 मिनट तक अच्छे से ही मसाज कर लेना है। और मैं इसमें एक टमाटर पूरा यूज करूंगी मसाज करने में, ये देखो इस तरीके से इसका रस जो है निकाल निकाल के, ये देखा। तो बस आपको 10 से 5 मिनट जितनी देर आप मसाज करना चाहो कर सकते हो, ऐसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी 10 मिनट मैक्सिमम कर ही लो आप। और इसके बाद आपको नॉर्मल पानी से फेस को धुल लेना है और फिर अपने फेस को हल्का सा सुखा लेना है, और इसके बाद हम पैक लगाएंगे। हम ले रहे हैं मुल्तानी मिट्टी, ये पाउडर है और ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है, देखिए। हमने थोड़ा सा दूध लिया है और अब हम डाल देंगे इसमें मुल्तानी मिट्टी, ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयली स्किन वालों के लिए मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बहुत अच्छा होता है, तो इस तरीके से देखिए इस तरीके से आपको लगाना है। जब भी आप फेस पैक लगाओ ना तो जो चिपचिप भी लगाओ तो इस तरीके से ऊपर की साइड में लगाओ। तो बस अच्छे से ही अपने फेस पे पैक लगाना है और इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि स्किन में ड्राई हो जाए। और इस तरीके से मैं फेस पैक लगा ले रही हूँ फिंगर की हेल्प से, अगर आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो। सो गाइस ये देखिए अभी हमारा फेस पैक अच्छे से ड्राई हो चुका है, सूख चुका है, तो अभी अब हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से हम क्लीन कर लेंगे, ये देखो अच्छे से ही। आप चाहो तो फेस को डायरेक्ट धुल सकते हो, लेकिन ऐसे क्लीन कर ले रही हूँ। और किसी ने मुझसे पूछा था कि दी आपके लिए पिस्टी नहीं छोड़ती कौन से लगाती हो, जब भी मैं फेस को क्लीन करती हूँ ना तो मैं अपने लिप्स को ऐसे कर लेती हूँ, इसीलिए तो लिपस्टिक मेरी नहीं छूटती है। और मैं इसलिए आपको इस तरीके से दिखा रही ताकि आप लोग भी रिजल्ट देख लो, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। नींबू हमारी स्किन को फेयर करता है, टमाटर हमारी स्किन को फेयर करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। और ड्राई स्किन वाले इसे ना यूज करें, क्योंकि जो भी इसमें लिया गया है सामान सब ऑयली स्किन वालों के लिए है कि आपकी स्किन से ऑयल को वो निकाल दे। अगर जिनकी ड्राई है वो इसे यूज करेंगे तो उनकी और ड्राई हो जाएगी, तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि नहीं आप यूज कर सकते हो, है ना, तो ये गलत होगा। जो सही है वो सही है, बस ऑयली स्किन वाले इसे यूज करें। अगर हम कोई फेस पैक बताते हैं तो उसमें दोनों या कोई भी DIY बताते हैं तो उसमें ऑयल क्या बोलूँ, जब भी मैं कोई भी DIY कुछ भी बताती हूँ ना तो फिर उसमें दोनों बराबर मात्रा रहती है, तो उतना नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग बोले कि ड्राई स्किन के लिए भी आप लोग कभी कभी नींबू बता देते हो, कभी कभी ये बता देते हो, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हम लोग मिक्स करते हैं ना जिससे हमारी स्किन का ऑयल कम ना हो। और इसमें हमने सारी चीज़ें वही यूज़ की है जिनकी ऑयली स्किन है। सो अभी मैं यहाँ पर फेस को नहीं धुलूंगी क्योंकि मैंने इतने अच्छे से यहाँ पर आपने फेस को क्लीन कर लिया कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आप रिजल्ट इसका देख सकते हो, बहुत अच्छा वाला आता है। तो बस हमारी बिंदी और
कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रीति मेकअप ऑफिशियल। सो चलो मिलती हूँ आप लोगों से अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और स्किन चमकने भी लगी ना, काफ़ी फ्रेश फील हो रही है, सो तब बाय।